साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई राम, जय साई राम। आपका एक बार फिर से स्वागत है बाबा के चैनल साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साई के। सबसे पहले आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, बाबा कहा करते थे, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई इसका निरंतर अभ्यास करेगा तो उसकी कुप्रवृत्तियाँ अपने आप ही शांत हो जाएंगी और उसे अपने मोक्ष की राह स्पष्ट नजर आने लगेगी। तो चलिए, बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने आज की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले बाबा का ध्यान करना है 2 मिनट, और बाबा का ध्यान करते हुए ऐसा एज्यूम करिए कि आप शिरडी समाधि मंदिर बाबा के समक्ष खड़े हैं और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे देवा, मेरे संशय को दूर करिए, जिस प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ मुझे उससे बाहर निकालिए। उसके बाद स्क्रीन पर दिखाए जा रहे 4 हार्ट्स में से आपको 1 हार्ट चूज करना है। अगर आप ऑरेंज वाला हार्ट चूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला हार्ट चूज करेंगे, तो आपका लकी नंबर होगा। आपका लकी नंबर है 104। विपत्तियां और विघ्न बाधाएं घेर लेंगी, किंतु श्री साईनाथ की ओट में रहने से रक्षा होगी, विघ्न दूर होंगे। अकेली यात्रा करनी ठीक नहीं होगी, साथी को साथ लेकर चले। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपकी लाइफ में विपत्तियाँ यानी कि प्रॉब्लम्स और बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन बाबा का नाम लेते रहें, बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। ये मुश्किल समय भी आपका कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बाबा का इसलिए नाम स्मरण करते रहिए, बाबा की शरण में रहिए, बाबा आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। आपके जीवन में जो भी विघ्न पड़ेंगे, जो भी बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, बाबा हरते चले जाएंगे, इसलिए बाबा का सहारा अवश्य लीजिए। और हो सकता है कि आप अकेले यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हो या प्लान कर रहे हो, तो अकेले यात्रा करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ में किसी को लेकर चलें तो आपकी यात्रा भी शुभ होगी, और रास्ते में अगर कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोनों मिलकर उसे ठीक कर सकते हैं, तो दोनों की मदद हो सकती है, इसलिए साथी को लेकर ज़रूर चलिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने व्हाइट वाला हार्ट चूज़ करा है तो उनका लकी नंबर है 107। भूखे को भोजन कराओ, अन्न दान करो, सब उलझने सुलझ जाएंगी, तुरंत सिद्धि मिलेगी। ईश्वर का नाम जपते रहे और प्रयास जारी रखे। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपको अन्न दान करना चाहिए, किसी भूखे को, किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। इससे आपकी जो भी उलझने हैं जीवन में वो सुलझ जाएंगी, आपके जीवन से दुख हरते चले जाएंगे। किसी भूखे को, किसी गरीब को या किसी जानवर को खाना खिलाइए, आपको सिद्धि तुरंत मिलेगी। सिद्धि यानी कि आपको सक्सेस मिलेगी, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अन्नदान करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर भी होती है। साथ ही अपने भगवान का, अपने ईश देव का नाम जपते रहिए, और साथ ही कोशिश और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने ग्रीन कलर का हार्ट चूज करा है, यानी 3rd नंबर वाला हार्ट चूज करा है, तो उनका लकी नंबर होगा 99। अभिमान किस बात का, भेदभाव क्यों है? तुम भी एक आत्मा हो, औरों में भी आत्मा है, किंतु परमात्मा के आगे सब शुद्र हैं। फिर गर्व क्यों, फिर भेद क्यों? पूर्ण समर्पण के साथ इष्ट को भजो, दुख में भी सुख तथा सुख में भी दुख छिपा होता है। पहिए की भांति सुख दुख तो क्रम से चलते ही रहते हैं, इनको समान ही समझना चाहिए। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि अगर आपको किसी बात का अभिमान मन में आ रहा है या कोई भेदभाव मन में चल रहे हैं, सब मिटा दो, क्योंकि परमात्मा के आगे, उस ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं छिपा है। तो फिर ये अभिमान मन से निकाल दीजिए, मन से भेदभाव बिल्कुल हटा दीजिए और भगवान के आगे पूर्ण समर्पण यानी कि सरेंडर कर दीजिए। जब जीवन में सुख दुख के कारण कुछ समझ नहीं आते, तो ईश्वर को अपना आत्म समर्पण करना ही बेहतर उपाय होता है। सुख दुख सबके पास आते जाते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, जिस तरह एक पहिया घूमता रहता है। आज आपके पास सुख है तो कल उनके पास सुख होगा, अगर आज आप दुखी हैं तो कल वो भी अवश्य ही दुखी होंगे।
तो इसलिए अपने दुखों के जीवन में कभी भी हौसला मत हारिए, मन को शांत रखिए। और अगर आपके जीवन में सुख चल रहे हैं तो कभी भी अभिमान मत करिए, क्योंकि उस परमात्मा के आगे सब कुछ जीरो है। सुख दुख को अपनी जिंदगी में एक जैसा ही समझिए, आप कभी भी जीवन में हारोगे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने लास्ट वाला हार्ट चूज़ करा है, यानी कि ब्लू वाला हार्ट चूज़ करा है, तो उनका लकी नंबर है 379। भगवान शिव शंकर की पूजा करें, सोमवार के व्रत करें, अभीष्ट की सिद्धि होगी। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव होते हैं। और सोमवार के व्रत करने चाहिए आपको। ऐसा करना आपके जीवन के लिए बहुत शुभ है, और जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए भगवान शिव शंकर की पूजा करें। तो आई होप कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, बेजुबान पशु पक्षियों की मदद करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे इज, दुनिया में कोई गलत नहीं होता है, वो बस हमसे अलग होते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।